उनका साइकेट्रिस्ट का अलग से मतलब वो होता है इंटरव्यू वगैरह अच्छे स्कूल्स के लिए, अच्छे साइकोलॉजिस्ट चेक करता है कि आप एकेडमिक तो ठीक हो लेकिन आप मेंटली कैसे हो। तो जब कभी जीवन में लगे ना छोटा मोटा कुछ हो रहा हो तो एडवाइस देने में अपने को शर्माना नहीं है, पर आजकल तो ऑनलाइन एडवाइस ही मिल जाती है। समझ गए भाई? क्या भाई आयुषी समझी तुम? क्या समझी बताओ? हाँ, जैसे अपन पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं ना बुखार में जाते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट। चलो क्या क्या डीपी लाए थे? कितने डीपी बना के लाए भाई? सिर्फ एक ही बना के लाए? ट्राई कर लिया? आंसर वांसर आ गए उसके? फिफ्थ में वो देखो डार्क और वैसे दिखाया ना, डार्क एक डार्क दिखाया ना, मतलब एक रिंग ऐसे, ये ऐसे अप डाउन, एक आगे एक पीछे ऐसे शो करते हैं ना, डार्क डार्क डैश डैश, मतलब वो प्लेन में नहीं है, अदरवाइज तो मॉलिक्यूलर प्लेन होना चाहिए था। तो जैसे यहाँ पे ओएच ओएच लगे तो एक रिंग आप एक ऐसे डाउन, हमें पता क्या चलेगा वो क्वेश्चन में डार्क डार्क करके देगा ऐसे। ठीक है चलो आगे करें, फिर एक केस और करते हैं। एक काम करो, इसके स्टीरियो आइसोमर बनाओ। केस टू के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, अपन दो तीन स्टेटमेंट लिखेंगे, जगह छोड़ने के बाद नीचे आपको ये लिखना है। इसके स्टीरियो आइसोमर बनाओ। बीच में आना है? अच्छा बनाओ। बाकी लोग इसके स्टीरियो आइसोमर देखो जरा, कितने स्टीरियो आइसोमर बने, कितने एक्टिव बने, कितने मीजो बने, वो बनाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ एक्टिव आइसोमर, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। कैसे हो तक्सु? तक्सु अरे भाई तक्सो कैसे हो? बाकी लोग बनाओ। सिंगाना जी नजर नहीं आ रहा है? अच्छा आज भी रात भर पढ़ रहे होंगे? अच्छा एग्जाम आ गया ऐसे पढ़ाई स्टार्ट कर दी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बनाओ जरा। टोटल स्टीरियो आइसोमर बताना है, नंबर ऑफ मीजो बताना है, नंबर ऑफ एक्टिव बताना है। ड्रॉ करके देखो। बात मत करो, ड्रॉ करो फटाफट। कितने बने भाई? चार? अरे यार मतलब हद हो गई। ये तुम्हें पहला मैंने एकदम मतलब लड्डू बना के दिया एकदम, इसमें तुमको सिमेट्री नजर आ रही है ना भाई? ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसमें कारा सेंटर भी है, ये मीजो है, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, तो इसका इनेंशियोमर नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा? डायस्टीरियोमर। तो इसका डायस्टीरियोमर कैसे बनाएंगे बताओ? ऊपर वाले एस सी एल को हम चेंज कर देंगे, ये बन गया, और इसके क्या बनाएंगे साथ में? मिरर इमेज। इसकी अगर हमने मिरर इमेज बनाई तो ये बनेगा ना इसका मिरर इमेज। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इनेंशियोमर। अगर मैं पूछूं कि पहला वाला कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। दूसरा वाला कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तीसरा वाला कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप मुझे बताओ यहाँ 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 4 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा?
वो कब लगता है? When all stereo isomers are unsymmetrical. सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर अनसिमेट्रिकल होने चाहिए. अगर एक में भी सिमेट्री आ गई ना, इसका मतलब है 2 की पावर n नहीं लगाना है. इसका मतलब है कि टोटल आइसोमर 2 की पावर n से कम बनेंगे. कम बनेंगे ना भाई, ठीक है. अब बताओ इसमें कितने कार्य सेंटर हैं, ऑड हैं या इवन हैं? दो है ना, इवन कार्य सेंटर. तो अब हमारे पास केस कैसा है कि वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्री प्लस इवन कार्य सेंटर. सिमेट्री किसमें? If one of the stereo isomer is symmetry and even कार्य सेंटर, तो उस केस में फिर 2 की पावर n नहीं लगाना है. फिर क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे? 2 की पावर n माइनस 1. n इज नंबर ऑफ कार्य सेंटर, यानी 2 बनेंगे. नंबर ऑफ मीजो कितने बनेंगे? 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1. n इज नंबर ऑफ कार्य सेंटर. इसमें कार्य सेंटर 2 है ना हमारे, तो ये तो ज्यादा आ गए, एक ही आए ना, ठीक है. तो a प्लस m कितने हो गए? 3. A प्लस एम क्या है? टोटल स्टीरियो आइसोमर. अब बताओ ये वाले फॉर्मूले आपको कब लगाने हैं कि भाई एक्टिव इतने बनेगा, मीजो ऐसा बनेगा, ये कब लगाने हैं? किसमें सिमेट्री? उसके किसी भी एक स्टीरियो आइसोमर में सिमेट्री और इवन कार्य सेंटर हो तो फिर एक्टिव इतने आएंगे, मीजो इतने आएंगे. समझे आप? ये तो क्या है कि आपको हमारा तो घर की बात है ना, इसलिए मैंने आपको रेडीमेड डायरेक्ट पहला बना के दिया अच्छे से, कि आपको सीधा दिख रहा है सिमेट्री है. जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में बना के देगा, आपको देखना पड़ेगा कि सिमेट्री आ रही है किसी भी आइसोमर में, तो फिर 2 की पावर n नहीं लगाना है. बनाओ उसको. तो केस 2 क्या है हमारा? व्हेन वन ऑफ द स्टीरियो एटलीस्ट वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल एंड इवन कार्य सेंटर. एटलीस्ट वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल एंड इवन कार्य सेंटर. At least one of the stereo isomer is symmetrical and even कार्य सेंटर. तो फिर लिखो active equal to 2 की पावर n माइनस 1, मीजो इक्वल टू 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1. यहां पे n क्या है? What is n? n है हमारा नंबर ऑफ कार्य सेंटर. नोट कर लिया? आप तो लिख लिया होगा, सबने बढ़िया से लिख लिया. ए प्लस एम क्या है? टोटल स्टीरियो आइसोमर. अब आप मुझे ये बताओ, ये सेकंड वाला एग्जांपल है, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, टोटल नंबर मतलब जो गिवन है उसको भी काउंट करना है आपको. सोच लो अपना आंसर. अभी मैंने 5 मिनट पहले समझाया तुमको कि भाई हर बार घर की बात नहीं होगी, तो आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी को देखना है. आपको किसको देखना है? सारे स्टीरियो आइसोमर. क्या इसका कोई भी स्टीरियो आइसोमर सिमेट्रिकल तो नहीं है? जैसे ये ट्रांस है, ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसकी क्या बनाएंगे बताओ? मिरर इमेज. इसमें सिमेट्री नहीं है तो इसका इनेंशियमर बना लो, मिरर इमेज. ये बात समझ में आई? और एक हम बनाएंगे सिस. सिस में बताओ कोई सिमेट्री है या नहीं है बताओ. इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें, तो इसका मतलब है इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ कितने बने? 3 बने. अब बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्य सेंटर कितने हैं? 2. क्या हमारा केस 2 लगेगा यहाँ पे?
लगेगा ना सिमेट्री एंड इवन कार्य सेंटर, तो यहाँ हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं फिर एक्टिव टू की पावर एन माइनस वन यानी टू, मीजो कितने होते हैं भाई टू की पावर एन बाई टू माइनस वन यानी वन, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर थ्री हो गए। वो आपको कैसे भी दे, वो आपको कारल दे, आपको बाकी स्टीरियो आइसोमर चेक करने पड़ेंगे। आप समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, एनी वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर इज सिमेट्रिकल तो टू की पावर एन नहीं लगाना है, समझे आप। ऐसे नहीं देखे, वो क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, सिंपल आपको ऐसे बोले कि वन टू डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो आप आपको स्टीरियो आइसोमर बनाना है तो फिर आपको शुरू करना पड़ेगा सेस ट्रांस और उसकी मिरर इमेज, सेम क्वेश्चन हो गया ये, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। ऐसा ही का मतलब क्या स्टीरियो आइसोमर, आगे बढ़े। अभी जो मैंने बनाया है ये है हमारा टार्टरिक एसिड, कौन सा एसिड है भाई टार्टरिक एसिड। अब आप मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड बताओ कितने होंगे, टू की पावर एन लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ, नहीं लगेगा है ना, टू की पावर एन क्यों लगेगा, इसमें सिमेट्री दिख रही है ना हमको। अब आप जब बनाओ ना तो सबको एक ही पैटर्न में बनाओ, या तो सबका फिशर बना लो या सबका सॉहर्स बना लो, थोड़ा फिशर इजी रहता है तो मैं फिशर बना रहा हूँ। एक आइसोमर ये बना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये वाली, और कारा सेंटर भी है, ये क्या बना हमारा मीजो। अब समझ में आया दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, इसका डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर कैसे बनाएंगे, एक कार्य सेंटर के पेयर को चेंज कर देंगे। अब बताओ तीसरा कौन, तीसरा इसका मिरर इमेज, तो इसमें और इसकी मिरर इमेज में बताओ क्या रिलेशन है, इनेंशियोमर है ना भाई ये, तो कितने स्टीरियो आइसोमर बने तीन, एक्टिव कितने बने दो, मीजो कितने बने एक। आगे बढ़े, ये कुछ एग्जांपल ट्राई करो, कितने तीन एग्जांपल हो गए थे ना अपने, इनके स्टीरियो आइसोमर बनाओ,
आपको इन सब में लिखना है टोटल स्टीरियोआइसोमर, नंबर ऑफ मीजो, नंबर ऑफ एक्टिव, कितने एक्टिव हैं, कितने मीजो हैं, कितने टोटल हैं, तीन चीज बतानी है।
ओके क्या भाई ट्राई कर लिया सबने? चलो आप बताओ फोर्थ का आंसर क्या है? थ्री आएगा ना इसके, एक्टिव दो मीजो एक टोटल थ्री, क्योंकि इसका जो सिस फॉर्म बनाएंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये आएगा ना इससे। फिफ्थ में बताओ इसमें कोई सिमेट्री आ रही है क्या? क्या ये वाला सिमेट्री है? ये नहीं है ना, डिफरेंट कार्बन है। कितने कार्बन सेंटर है? दो। और ये सिक्स मेंबर का एल्कीन तो जी आई शो नहीं करेगा, तो इसके स्टीरो आइसोमर बनेंगे फोर। एल्कीन में जी आई कब शो करता है? साइक्लिक में रिंग साइज एटलीस्ट एट मेंबर एंड ऑनवर्ड्स। इसकी तो लॉक रहती है ना, सिक्स फॉर्म में लॉक रहता है। तो इसके कितने बने भाई? चार। मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं आएगा, ये कार सेंटर है ना, ये मिथाइल वेज में है तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा ना डैश में, मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं आएगा। अच्छा सिक्स बताओ, सिक्स में दो एक्टिव मीजो एक टोटल थ्री, ये आया ना, क्या इसमें कोई सिमेट्री है? और क्या इसमें इवन कार सेंटर है? तो वही अपने एक्टिव टू की पावर एन माइनस वन मीजो एन बाई टू माइनस वन है ना। टेन बताओ, नहीं सॉरी सेवन, सेवन में थ्री आ गए, दो एक्टिव एक मीजो टोटल थ्री। एट बताओ, टेन आएंगे इसके, कितने मीजो आए? एक्टिव दो, नहीं सॉरी मीजो आठ आए ना, एक्टिव आठ आया और मीजो दो, सॉरी नाइन्थ में बताओ, टू की पावर फोर सिक्सटीन आएंगे, क्या इसमें हमने टू की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया? लगाया ना भाई, हाँ एन माइनस वन लगाया। टू की पावर आपको हमेशा ध्यान रखना है, टू की पावर एन लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर टू की पावर एन लग रहा है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, आराम से लगा देंगे उसको। टेंथ बताओ, टेंथ में भी सिमेट्री आएगी ना इसमें, इसके सिस फॉर्म में सिमेट्री आएगी, तो एक्टिव कितने बने? दो, मीजो बने एक, ये हमारा केस टू हो गया, सिमेट्री एंड इवन कार सेंटर। इलेवन बताओ, इलेवन में कोई सिमेट्री आ रही है? आ रही है इलेवन में सिमेट्री, कैसे आ रही है बताओ? सेंटर ऑफ सिमेट्री भाई, इसमें COS आएगा ना भाई, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है। कितने कार्य सेंटर हैं? दो, तो इसके एक्टिव बनेंगे दो, मीजो बनेंगे एक, टोटल A प्लस M बनेगा इसका थ्री। सिमेट्री मतलब प्लेन के साथ साथ आपको क्या चेक करना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या भाई जो पीछे सूरवीर बैठे हैं
देश के रक्षक, ये बताओ क्या सुना तुमने अभी लास्ट में कि POS के साथ क्या चेक रखना है? COS, ठीक है ना, दोनों सिमेट्री चेक करनी है भाई। अगर COS आ गया ना, उसकी मिरर इमेज भी सुपरइम्पोज करेगी, POS आया तो भी उसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज करेगी। आगे बढ़े, लिख लिया, आप लिखो आप केस थर्ड, और केस थर्ड में आपको दो लाइन छोड़नी है अभी, और इसके बनाने हैं आपको स्टीरियो आइसोमर। टू थ्री फोर ट्राइक्लोरो पेंटेन, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे ट्राई करके देखो। बना बना के देख लो, देखो आइडेंटिकल तो नहीं हो रहे। जैसे इसमें तुमको प्लेनर सिमेट्री दिख रहा है ना, तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनानी है, इनेंशियोमर नहीं बनाना है, फिर बनाना क्या है इसका? इसका डायस्टीमर बनाएंगे। बनाओ जरा, पांच आइडेंटिकल भी चेक करने को, आइडेंटिकल तो नहीं हो गया, एक बार चेक करो। हर बनने वाला नया आइसोमर ये जरूरी नहीं नया बना है, वो आइडेंटिकल भी हो सकता है। सबसे पहले ये बताओ कि आपने इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ये वाला, तो इसका अपन बनाते हैं डायस्टीरियोमर। जो सबसे ऊपर वाला कार्य सेंटर है ना, उसका क्लोरीन और एच चेंज कर देते हैं। ये बनाया आप लोगों ने, अब आप ये बताओ इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं है। तो इसकी क्या बनाएंगे? मिरर इमेज, यानी इसका बनेगा इनेंशियोमर। ये समझ में आ रहा है? अब बताओ और कौन सा बनाएंगे? अब अपन बीच वाले इस कार्बन का एक पेयर चेंज कर लेते हैं। तो बीच वाले का पेयर चेंज करेंगे, ये बन जाएगा, है ना? इसमें कोई सिमेट्री है क्या? इसमें भी दिया CLH को पास होता हुआ, ये सिमेट्री है ना? सिमेट्री है और कार्य सेंटर भी है। ये एक मीजो आइसोमर है, इसकी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। फर्स्ट वाला जो है ना, उसमें भी ये सिमेट्री है और कार्य सेंटर है, इसका मीजो नहीं बनाएंगे। अच्छा, अभी मैंने इसको चेंज किया डायस्टीमर बनाया, इसको चेंज किया डायस्टीमर बना, लास्ट को भी तो चेंज करना चाहिए। लास्ट वाले को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? CLCL इधर रहेगा और ये HCl ऐसे बनेगा ना, दिखाई दे रहा भाई? अब आपको चेक करना है इसके साथ आइडेंटिकल तो नहीं है। किसके साथ? हाँ, अपन फिशर को कैसे घुमा सकते हैं? इन द प्लेन 180। तो आप इसको इन द प्लेन 180 घुमाओगे तो ये दोनों CL यहां आएंगे ना, है ना? आप इन द प्लेन घुमा लो इसको, तो ये वाला चीज बन गया ना, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है, समझे आप? अब अपन वो क्यों नहीं बना रहे हैं? 1 3 को चेंज करें, 1 3 के दोनों CL इधर, दोनों H इधर,
1-3 को चेंज करेंगे तो वो इसकी मिरर इमेज बनेगा, और ये तो मीजो है तो मीजो की मिरर इमेज क्या होगी, सुपर इम्पोज, आइडेंटिकल होगी। और एक वो क्यों नहीं बना रहे, तीनों सीएल राइट के, तीनों सीएल लेफ्ट में, इसी की मिरर इमेज है वो, समझे आप। ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं मतलब नया ही बना होगा, हम बना रहे हैं हमको देखना भी पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना रहा, 4। पहला वाला मीजो है, दूसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तीसरा वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां तक सही है भाई, चारों बना लो एक बार। अब आप मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्य सेंटर कितने हैं? 2 है या 3 है? अच्छा आप इसको कार्य सेंटर, अच्छा इसको कार्य सेंटर नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो इसमें कार्य सेंटर हुए 2, और प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी इवन कार्य सेंटर एंड सिमेट्री हुई ना, तो इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने आने चाहिए, 2n-1 यानी 2 आने चाहिए। इसके मीजो कितने आने चाहिए, 2n-2-1 यानी 1 आना चाहिए, जबकि इसके मीजो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था कि सिमेट्री एंड इवन कार्य सेंटर, उसके अकॉर्डिंग तो इसके आइसोमर ज्यादा आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, अभी हमने कितने कार्य सेंटर माने थे, 2 माने थे ना। अब सपोज करो इसको अपन एक कार्य सेंटर मान लेते हैं, सपोज करो अगर हम इसको कार्य सेंटर मानते हैं तो इसमें 3 कार्य सेंटर हो गए, और जब मीजो होता है ना तो मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या था कि ये अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा ना, नेट रोटेशन 0 आएगा। विद इन ए मॉलिक्यूल एक कार्य सेंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ठीक है। अगर हमने 3 कार्य सेंटर डिफाइन कर दिए तो इसका रोटेशन इसने कैंसिल आउट किया, तो फिर इसका रोटेशन कहां गया, इसका भी तो कुछ रोटेशन होगा, तो फिर ये मीजो ही नहीं है। तो मेरी बात समझे कि अगर हम 3 कार्य सेंटर मान लेते हैं तो 3 कार्य सेंटर में मीजो नहीं हो सकता, क्योंकि मीजो के लिए नेट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इंटरनल कंपनसेशन होना चाहिए, मतलब इसका रोटेशन इसने कैंसिल आउट किया, तो इस सेकेंड कार्य सेंटर का रोटेशन किसने कैंसिल आउट किया, किसने भी नहीं किया। तो हम 3 मानेंगे तो फिर ये मीजो गलत हो गया, अगर हम 2 कार्य सेंटर मानेंगे तो फिर ये फॉर्मूला लगा रहा है, ये गलत हो रहा है। 2 मान रहे हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, और उसको काउंट कर रहे हैं तो मीजो नहीं लग रहा है। क्या करें बताओ, 2 लें या 3 लें, फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा? नहीं पहले अपन कार्य सेंटर तो फिक्स कर लें, फॉर्मूला तो बाद में फिक्स करेंगे। फॉर्मूले तो कैसे बनते हैं, जैसे इसके बनाए उसी के नेक्स्ट कार्य सेंटर के बनाए, फिर एक पूरी सीरीज बन जाएगी, उससे एक फॉर्मूला डेरिव हो जाएगा। अभी तो सवाल यह है कि 2 कार्य सेंटर है या 3, बोलो भाई। अभी फाइनली ये रहा कि क्या होता है कि ये मीजो भी करेक्ट है, ये जो कार्य सेंटर है ना, ये कार्य सेंटर है, लेकिन इसको अपन को डिफाइन करेंगे, सूडो फोर्स हो सकता है, सूडो रिएक्शन हो सकता है, तो सूडो कार्य सेंटर भी हो सकता है। इसको हमको डिफाइन करना पड़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कार्य सेंटर जो है ना वो इवन कार्य सेंटर से अलग है ना, तो मतलब सूडो मतलब झूठा कार्य सेंटर हुआ ना ये हमारा, तो हमको कोई पूछेगा भाई कि इसमें कितने कार्य सेंटर हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3, तो वो इवन वाले से डिफरेंट केस हो गया। हाँ बस इसका इसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं आता है, पीपीएल को रोटेट नहीं करता है, लेकिन जब हम स्टीरियो आइसोमर निकालते हैं तो इसको डिफाइन सूडो करके इसको टोटल में काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ कार्य सेंटर एन की वैल्यू कितनी रखनी है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 3। और अब हमारे फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे, यानी अब सूडो वाले केस में फॉर्मूले कैसे होंगे, एक्टिव हो गया 2n-1 माइनस 2n-1/2, एन इज नंबर ऑफ कार्य सेंटर, तो यहां एन की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 3, और जितने माइनस किए उतने मीजो, n-1/2, तो ये 2 आ गए हमारे मीजो। इन दिस केस एन इक्वल टू क्या है हमारा, 3। तो हमारे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए,
चार हुए। अच्छा एक चीज देखो, सूडो को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। एक कार्बन सेंटर है, सपोज करो एक वैलेंसी क्लोरीन है, एक एच है। ऊपर अगर एक कॉन्फिगरेशन आर आ रहा है, नीचे अगर एस आ रहा है, तो इसको आप क्या बोल दोगे? सूडो कार्बन। मतलब हम क्या करेंगे, आर एस को डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, उसको वापस देखो। इसका अगर आर एस कॉन्फिगरेशन लगाओगे ना, तो देखो ये 1 2 3, ये एस का, ये आर आ रहा है और ये एस आ रहा है। तो आर और एस को आप डिफरेंट ग्रुप काउंट कर लो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि सूडो कार्बन सेंटर है या नहीं है? वो कैसे पता चलेगा कि एक कॉन्फिगरेशन आर होना चाहिए और दूसरा कॉन्फिगरेशन कैसा होना चाहिए? एस। तो हम कहेंगे ये हमारा कैसा कार्बन सेंटर है? सूडो कार्बन सेंटर। क्या इसकी वजह से कोई पीपीएल का रोटेशन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, पूछेंगे कितने कार्बन सेंटर है इस मॉलिक्यूल में, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा, है ना। मतलब दो, ऐसा समझो ना, दो बच्चे खुद के हैं, एक अडॉप्टेड है ना। तो भाई टोटल बच्चे कितने तुम्हारे? 3। अरे अडॉप्टेड मतलब पेपर वर्क हो गया ना भाई, उसके फादर नेम भी वही लिखेंगे तो बाकी दो बच्चों का है, मदर नेम भी वही होगा। लेकिन पूछेंगे एक्चुअल में कितने बच्चे हैं, तो भी 3 ही है। किसी भी एंगल से पूछो 3 ही बच्चे हैं, बस ठीक है, एक बच्चा अपना अडॉप्टेड है। सूडो कार्बन को ऐसे समझो तुम, तो फॉर्मूला लिखो जरा। देखो ये हमारा सूडो कार्बन सेंटर है, जिसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं होता है, और नेट तो ये मीजो मॉलिक्यूल ही रहेगा, है ना। सूडो में आप देखो इस एनिमेशन से, उसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, और बीच वाला हमारा सूडो कार्बन सेंटर है। तो फॉर्मूला लिखो जरा। तो एडॉप्टेड वाला बच्चा कैसे पहचानोगे, समझ में आ गया? भाई गोद ले रखा है, वो एक है ना यार हॉलीवुड के, वो ट्रॉय वाला हीरो, यार क्या नाम उसका, ब्रैड पिट, ब्रैड पिट नाम है ना उसका, ट्रॉय वाला वगैरह। उसकी शादी जिससे हुई है, अरे यार क्या नाम उसका, सॉल्ट वाली, सॉल्ट फिल्म में हीरोइन थी वो, जेनिफर, क्या नाम, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ सर, ठीक है। क्या उसका नाम क्या था, सॉल्ट फिल्म थी ना, सॉल्ट में वो स्पाई का रोल करती है, बहुत फेमस है यार वो। और कौन सी मूवी थी, हाँ एंजेलिना जोली है ना, हाँ हाँ। अरे उसकी शादी हो रखी है उससे, कैसी बात करो, वो मुझे पता नहीं कौन से नंबर की शादी है, लेकिन शादी हो रखी है। हाँ ब्रैड पिट की, पहले अभी शायद नहीं है, पहले थी, उनका चलता है ना, उनका अलग चलता है ना। उसके पता है कितने बच्चे हैं, उनके 5-6 बच्चे हैं, और ओरिजिनली एक भी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे अडॉप्टेड हैं, एक ओरिजिनल है। अच्छा, और सूडो कितने हैं, सूडो एक ओरिजिनल है और बाकी 4-5 सूडो है, उनके सूडो ज़्यादा हो गए थोड़े। तो पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं भाई, ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के, तो अपन नहीं कहेंगे ना, हाँ जिससे कितने बच्चे, कितने भाई? 5 कितने है? अरे यार तुम अभी तक वहीं अटके हो, समझ गया ना। सबने लिख लिया, इसके द्वारा टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालो। निकालो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर, बताओ कितने एक्टिव हैं, कितने मीजो हैं, एक्टिव कितने, मीजो कितने, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने। थोड़ा स्पीड में बनाना है, ड्रॉ करके बताना है।
बनाओ भाई, कितने चार आ गए। और बिहार में सब कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम। इलेक्शन वगैरह हो गया? होना है। अरे भाई क्या रहा आंसर? चार। पहले आपने ये सभी वेज बना लिए, इसमें कोई सिमेट्री नजर आ रही है? ये एक सिमेट्री है ना, इसकी मिरर इमेज हमको नहीं बनानी है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, डैश बना लेते हैं। ये क्लोरीन इसको डैश बना लेते हैं ना। इसमें भी देखिए सिमेट्री आ रही है, ये वाला एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसकी भी मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो अगर मैं पूछूं कि पहला वाला मीजो है क्या? यस मीजो, ये रहा ना कारा सेंटर। क्या दूसरा वाला भी मीजो है? ये भी मीजो है, ठीक है। अब बताओ तीसरा कौन सा बनाएंगे? इसको डैश कर दें, राइट वाले को डैश करें या लेफ्ट वाले को? किसी को भी कर देंगे ना, किसी को भी हमने डैश किया तो ये राइट वाला डैश और लेफ्ट वाला वेज, समझ गए। आप बताओ फोर्थ कौन सा है? इसकी मिरर इमेज, तो यहाँ मिरर लगाते हैं और उधर थोड़ा स्पेस कम है तो इधर बनाते हैं मिरर इमेज। यहाँ मिरर लगाया तो ये बनाना मिरर इमेज, डैश के सामने डैश, ये बना हमारा वेज और ये बना वेज, ठीक है। ये जो हमने थर्ड वाला बनाया है ये एक्टिव है, और फोर्थ बनाया ये भी एक्टिव है, ठीक है यहां तक। अब आप मुझे ये बताओ, अब वो क्यों नहीं बना रहे कि ये दोनों डैश कर दें, इन दोनों को डैश, इन दोनों को डैश और इसको वैच, वो इसके साथ आइडेंटिकल होगा ना, इसको ऐसे पलट देंगे तो ये दोनों डैश ये वैच हो जाएगा। एक वो क्यों नहीं बना रहे हैं कि ये डैश को कैसे करेंगे, इन दोनों को डैश करेंगे और उसको पलट देंगे ऐसे, ये लास्ट वाला बन जाएगा ना। अगर मैंने यहाँ डैश किया और यहाँ डैश किया तो ऐसे घुमा, नहीं लास्ट वाला थोड़ी बन रहा है, थर्ड वाला बनेगा ना, थर्ड वाला भाई यहाँ डैश कर रहे हैं ना फिर पलट रहे हैं तो ये डैश वाला वेज आ रहा है, ये वाला बन रहा है ना। तो कुल मिला के कितने बने? चार। अब बताओ इन तीनों केस में से कौन सा केस लगा? केस वन तो लगेगा नहीं, टू की पावर एन। अब बताओ केस टू लगा केस थ्री लगा? केस थ्री लगा। क्या तुमको ये वाला कार्य सेंटर, सूडो कार्य सेंटर नजर आ रहा है? ये आगे जाओ ना, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो जैसे ये वाला आर कॉन्फ़िगरेशन है, ये मिरर इमेज है ना इस कार्य सेंटर की, ऐसा होगा ये। तो इसमें हमारा केस थ्री लगा, एक्टिव दो, मीजो दो, फोर। और जितने माइनस किए थे उतने मीजो है। एक चीज समझ लो आप, जब भी टू की पावर एन का फॉर्मूला नहीं लगे ना तो फिर आपको ड्रॉ करने चाहिए, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है केस टू लग रहा है केस थ्री लग रहा है, ठीक है ना। वो तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हो तो फॉर्मूला लगाना चाहिए, अदरवाइज हमको बस ये देखना है कि क्या इसमें टू की पावर एन लग रहा है। अगर टू की पावर एन लग रहा है तो सीधा उससे आंसर निकाल लेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करके आंसर निकालो, फिर देखो कौन सा केस लग रहा है, समझे आप। क्योंकि वो जो सवाल पूछेगा ना जेई वगैरह में तो वो कोई कंडीशन डाल देगा कुछ, मतलब ऐसा कुछ करेगा फॉर्मूले से आंसर नहीं आएंगे, वो कहेगा एक को फिक्स मान लो या कुछ भी बोल सकता है वो। तो हमें हैबिट क्या बनानी है, टू की पावर एन लगे तो फॉर्मूला, नहीं तो ड्रॉ करना है, समझे आप, ठीक है। चलें फिर, तुम्हारा एग्जाम है संडे को? अच्छा सैटरडे को एग्जाम है क्या? संडे को नीट का एग्जाम है, अच्छा इसलिए तुम्हारा सैटरडे को है, ठीक है। फिर एग्जाम के लिए देखो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है,
है ना, ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, दोनों दोनों कार्बन से बीच से पास होता हुआ प्लेन है। तो अभी जो हमने पढ़ा ना उसी को मैं मॉडल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल और इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे हम दूसरे मॉडल्स को देखते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री कैसे है। देखो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है और ये बीच वाले कार्बन से हमने एक प्लेन पास किया है। POS मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी इनएक्टिव मॉलिक्यूल हुआ ये। और दूसरे नेक्स्ट मॉडल्स देखते हैं अपन। इसमें देखो ये भी ये एक्टिव है। ये कैसे एक्टिव है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्म है ना। लेफ्ट में देखो आप, एक वैलेंसी डाउन है, एक वैलेंसी अप है, तो डाउन की मिरर इमेज अप नहीं बन सकती। इसका मतलब ये कैसा हुआ हमारा? ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, नो POS, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।